नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉशन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं सुपर मीटर 650 का ओनर रिव्यू। और मेरे साथ है इस गाड़ी के ओनर, जो कि अपना एक्सपीरियंस जो है इस बाइक के साथ शेयर करेंगे। आपको अपना एक्चुअल जो एक्सपीरियंस वो बताएंगे, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, माइलेज और क्यों उन्होंने ये बाइक खरीदी ओवर दी कंपटीटर्स। सो मैं वेलकम करूँगा सिद्धार्थ जी का। सर वेलकम टू द चैनल। हाय भैया, तो थोड़ा बताएंगे इसके बारे में कि ये कौन सा वेरिएंट है और आपको कितने का ऑन रोड पड़ा? इसमें तीन वेरिएंट आते हैं, एस्ट्रल, इंटरस्टेलर और सेलेस्टियल। ओके, एस्ट्रल और इंटरस्टेलर में तो बस डुअल टोन पेंट जॉब का फ़र्क है, उसका 15,000 डिफरेंस पड़ता है बेस प्राइस में। ओके, और जो सेलेस्टियल वेरिएंट है उसमें आपका एक तो टूरिंग सीट आ जाती है जो जॉइंट होती है और थोड़ी चौड़ी है, और उसमें एक वाइजर कंपनी डिफॉल्ट लगा के दे देती है, मतलब वाइजर रहता है, तो उस चीज़ का अराउंड डिफरेंस इससे 30,000 पड़ता है। ओके, तो मेरे को वो वाइजर इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इतनी स्पीड या इसकी मेरे को वो नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वेरिएंट चुना। और मुझे ब्लैक कलर मतलब पसंद था, पर्सनल प्रेफरेंस, तो ब्लैक जो पूरा था यही कलर था, तो इसलिए मैंने ये वाला वेरिएंट लिया। ओके, और आपका ज़्यादातर जैसे आप बता रहे थे कि सिटी ड्राइव ही ज़्यादा रहता है आपका या टूरिंग में रहता है? सिटी ड्राइव में टूरिंग भी करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत जैसे उत्तराखंड साइड चले गए अपने गाँव तो उसके लिए भी लिया है, और बाकी ऑफिस वगैरह जाने के लिए मतलब नॉर्मल सिटी में भी तो चला ही रहे हैं। ऑन रोड प्राइस क्या रहा था? मेरे को ऑन रोड प्राइस इंश्योरेंस मिला के ये पड़ गया 4,16,000। ओके, उसमें बट तीन एक्सेसरीज मैंने कंपनी से लगवाई हैं, एक बैक रेस्ट, एक इसका ये सम गार्ड और एक ये एयरफ्लाई वाले जो लेग गार्ड्स हैं, तो ये टोटल 13,000 के थे, बट 10,000 से ऊपर होने में 10% ऑफ हो गया, ये 11,500 रुपये का ये एक्स्ट्रा पड़ा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ स्किप ना करें। दोस्तों, हमने देखा कि हम पूरी कोशिश और मेहनत के साथ आपके लिए हर लेटेस्ट गाड़ी का रिव्यू लेके आते हैं, लेकिन जब हमने देखा कि 97% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते हैं, जानकारी लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। आपके लिए सिर्फ 2-3 सेकंड का काम है लेकिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपने डेफिनेटली रिसर्च किया होगा, तो कौन कौन सी बाइक के साथ आपने कंपटीशन किया था इस बाइक का, और फिर फाइनली क्यों आपने ये चूज़ की? मुझे एक एक्चुअली 500 सीसी से अबव बाइक चाहिए थी, मेरे पास एक 220 सीसी वाली बाइक भी है। ओके, मैं 5 साल से चला रहा हूँ मतलब, बट धीरे धीरे सीख गया तो थोड़ा अब राइडिंग का एक्सपीरियंस हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा अब थोड़ा बड़ी बाइक लेने के लिए, इसीलिए मैंने ये, और इस रेंज में कोई थी भी नहीं, मतलब मेरा बजट 5 लाख तक था। ओके, और जैसे कावासाकी की वल्कन है वो भी काफ़ी प्राइस उसका हाई हो चुका है अब। ओके ओके, और उसकी सर्विस वगैरह भी थोड़ी महंगी है और इतनी मतलब इजीली अवेलेबल भी नहीं है जितनी एनफील्ड का, तो बहुत अच्छा नेटवर्क है। और बाकी फिर जैसे इंटरसेप्टर वगैरह मैं 2019-20 से देख रहा हूँ, बट उसमें जैसे अलॉय व्हील्स नहीं थे और उसका राइडिंग पोस्चर ये थोड़ी मतलब काफ़ी कम्फर्टेबल है उससे, तो इसलिए जब ये आई तो मैंने फिर इसका टेस्ट ड्राइव लेके इसको मतलब स्टार्टिंग में ही बुक कर दिया। ओके, जैसे आप राइडिंग पोस्चर में बोल रहे हैं कि क्या क्या आपको डिफरेंस लगा जिसकी वजह से आपने ये बाइक चूज़ की? देखिए, राइडिंग पोस्चर बेसिकली इसका क्रूज़र वाला है, एक तो आपके इसके जो फीट आपके जो आते हैं वो काफ़ी आगे आते हैं, तो आप अगर इसे इसको हाईवे पे चला रहे हैं, स्टेयरिंग लॉक है शायद, हाईवे वगैरह पे मेरे को कम्फर्टेबल लगता है, रादर देन इंटरसेप्टर में थोड़ा स्लाउच करके ऐसे बैठना पड़ता है, उसमें उसके पैर यहाँ आते हैं, तो इसीलिए मेरे को ये ठीक लगा। बाकी इंजन वगैरह तो सेम है, मतलब परफॉर्मेंस वाइज जैसे आपको अगर ओवरटेक भी करना है, आप 6th गियर में भी हैं तो आप इजीली मतलब विदाउट गियर डाउन के आप ओवरटेक कर सकते हैं, तो उस चीज़ में कोई इशू नहीं है। और बाकी तो राइडिंग प्रेफरेंस है, मतलब जैसे मैं तो 100-120 इससे ज़्यादा हाईवे पे चलाते नहीं है क्योंकि सेफ्टी भी कंसर्न है और इंडिया की रोड्स वैसी नहीं होती, तो मेरे को उस पर्पज़ के लिए मतलब ठीक लगती है। और परफॉर्मेंस की बात करी तो आप 800 अबव भी नहीं चलाते, तो माइलेज आपको क्या मिलती है इससे? माइलेज देखिए, जैसे मेरे को कंपनी वालों ने बोला था कि अभी ये 15 तक ये देगी, बट जैसे मैं डीलरशिप से निकला, मैंने बगल में पेट्रोल पंप से भराया और फिर उसके बाद मैंने मतलब इसमें एक इंडिकेटर्स आया वहाँ तक भराया, फिर मैंने दोबारा एक बार चला के जब मेरी रिजर्व लग गई फिर मैंने दोबारा भराया, तो मेरा उसके बाद सेम लेवल तक मेरा 11.98 लीटर तेल भरा था और मेरी 242 किलोमीटर चली, उसमें मेरे मतलब आप मान लीजिए 40 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पर चली है और बाकी जो चली है नोएडा के अंदर ही चली है। ओके, तो मतलब मेरी अप्रॉक्सीमेटली 20 की मान लीजिए कि दे रही है अभी 20 KMPL माइलेज, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अगर अभी 20 दे रही है तो मे बी एक आध सर्विस के बाद जहाँ से 26 तक या 25 तक चली जाए। अच्छा, तो इतना ही जाएगी। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी इस बाइक की?
सबसे ये चीज़ एक तो देखिए इन्होंने इनफील्ड ने फिनिशिंग काफ़ी अच्छी कर दी है, मतलब जैसे पाउडर कोटिंग वगैरह कर दी है। अभी तक मैंने इनफील्ड किसी बाइक में देखा नहीं था। जैसे मेरे एक दो दोस्त जिनके पास क्लासिक भी है, मतलब 2020 या 19 वाला मॉडल, उनके भी रिम्स वगैरह पे मैंने रस्टिंग का इशू देखा है। बट जैसे उनमें मैंने देखा था कि जैसे पेंटिंग वगैरह में ये वाली फिनिश नहीं थी, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। इन्होंने जैसे पाउडर कोट वगैरह कर दिया, तो इन्होंने इस चीज़ का काफ़ी ध्यान दिया है। ओके, और बाकी तो मुझे मतलब ठीक ही लगी। जैसे इन्होंने ये सब भी एल्यूमिनियम के कर दिए हैं, आपके स्विच गियर वगैरह ये सब भी पहले प्लास्टिक के हुआ करते थे, और एडजस्टेबल ये दे दिए। तो मैं काफ़ी चीज़ें रॉयल एनफील्ड ने इम्प्रूव करी है इस बाइक में, तो इसीलिए फिर इसको पसंद आ गई, तो इसलिए मैंने ये मतलब ख़रीदने का डिसाइड किया। चलाते हुए जब 40-50 किलोमीटर अगर एक बाइक चल जाती जब ये, तो आपको लगता है कि हीटिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है? हाँ, हीटिंग का इशू जैसे मैं बताऊँ, अगर आप एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं तो आपको इतना पता नहीं चलेगा। अगर आप स्पीड पे हैं, मतलब 60 पे भी हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा अगर आपने ट्राउजर्स वगैरह पहनी है तो। और मतलब जब उसका चला के आप मतलब 20-30 मिनट चला के आप फिर आएंगे सिटी ट्रैफिक में, आप वहाँ रुकते हैं, तो आपको मतलब यहाँ से फील होगा। अब अगर स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में रेड लाइट पर रुकेंगे तो आपको हीट थोड़ी आनी फील लगेगी ऊपर को। अब वो तो इंजन बड़ा आएगी, और बाकी आपको मतलब अगर आप सैंडल या शॉर्ट्स में मतलब चला रहे, थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि इसका ये थोड़ा एरिया एक्सपोज्ड है। यस, तो यहाँ पे आपका पैर लगने का डर है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। तो यहाँ पे कुछ अभी तक आपने कुछ पता किया या कंपनी से कि कोई कवरेज जो हो यहाँ पे हो सके? कंपनी की तरफ से तो अभी कोई एक्सेसरी आई नहीं है मतलब okay. जो इस एरिया में, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर इशू होता है तो मैं इसमें एक वो रैप कराते हैं। हाँ, तो अगर मुझे सूटेबल लगेगा तो मैं वो कराऊंगा, बट मेरा तो ऐसा लगा नहीं। का भी क्या रहता है कि जल्दी चेंज ना करवाओ तो परमानेंटली वो रस्ट मतलब खराब सा कर देती है साइलेंसर। हाँ, मैंने सुना है कि वो डस्ट और पानी की वजह से ना थोड़ा इम्प्रिंट आ जाता है। मेरे खुद की हो रखी है, तो मैंने बड़ा कोशिश की उसे साफ करने की, फिर एट द एंड मैंने दोबारा रैप किया क्योंकि वो एक साल बाद तो खराब हो गया साइलेंसर। स्टेबिलिटी की बात करूँ या वाइब्रेशंस की बात करूँ, वाइब्रेशंस कैसी रहती है या नहीं रहती? नहीं, वाइब्रेशंस अगर आप नॉर्मल क्लासिक से देखें तो उससे मतलब 80% कम है। मतलब वाइब्रेशंस का कोई इशू नहीं है क्योंकि एक तो इसमें मेरे ख्याल ट्विन सिलेंडर है, तो वो थोड़ा काउंटर एक्ट कर देती है वाइब्रेशंस, तो उस वजह से कम फील होती है आपको। और दूसरा आपका जैसे कि वेट इसका काफ़ी है, तो मतलब ब्रेकिंग वगैरह में काफ़ी स्टेबल है, और मतलब 120 से 140 में भी आप ब्रेक लगाएंगे तो आपको मतलब वो शेकीनेस फील नहीं होगी। ओके, अगर रोड ठीक है, अगर रोड में गड्ढे हैं तो फिर तो फील होगी, बट अगर वैसे है। और थोड़ा स्टिफनेस पीछे वाले सस्पेंशन का है, रियर वाले के लिए थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन है पीछे के लिए। ओके, मतलब टाइम पे गाड़ी रुक जाती है? हाँ, मतलब ब्रेकिंग में कोई नहीं क्योंकि डिस्क वगैरह इसकी डुअल पिस्टन वाली ब्रेक्स हैं, तो मतलब ब्रेकिंग इसकी सही है, मतलब इसके वेट के हिसाब से इनफ है। तो अभी आप कुछ साइलेंसर जो है वगैरह मॉडिफाई करने की? नहीं नहीं, सब तो वो सब तो इलीगल हो चुका है वैसे भी, और मेरे को इतना शोर पसंद भी नहीं है। मतलब नॉर्मल आवाज़ इसकी काफ़ी है, मतलब अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार बोलना चाह रहा था कि एक बार सुना चलाइए। दोस्तों, एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साउंड है मतलब सूथिंग साउंड है, ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चुभती है या मतलब बहुत मज़ा आता है एक्सलेट करते हुए। नहीं, जैसे लोग करवाते भी हैं, बट मेरे को पर्सनल प्रेफरेंस है नहीं लाउड नॉइज़ की, तो और एक तो चलान का भी इशू है यहाँ पे। हाँ, तो इसीलिए कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ को छेड़ने का। और कोई कमी लगी हो आपको इसमें? बाकी तो ऐसी कोई कमी मेरे को लगी नहीं। एक इसका चार्जिंग पोर्ट इन्होंने इसके अंदर दिया है। ओके, तो मुझे उसका समझ नहीं आया, मतलब चार्जिंग पोर्ट अगर आप देखेंगे तो इसका मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट ओके। अच्छा, इसको करने के बाद तो अगर बाइक जब आप राइड कर रहे हो तो उस टाइम पे कैसे चार्ज करेंगे? अब वो ये लोग बोल रहे हैं कि इसमें से या तो तार ऐसे करके आप अपना पॉकेट में या बैग में या आगे ले जाइए। ये इसका चार्जिंग पोर्ट ना? हाँ, ये थोड़ा मतलब अजीब है। हाँ, ये इन्होंने पता नहीं क्यों इधर दिया है, बट इसकी यूजेबिलिटी थोड़ी कम है मतलब मेरे हिसाब से। या तो आप छोटी केबल लगा के फ़ोन यहाँ रख दीजिए, बट ये है तो। इसके अलावा कोई और कमी लगी हो? और तो मुझे बस एक वही है कि मतलब अगर आपको हीटिंग से थोड़ा, अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो हीटिंग थोड़ी ज़्यादा फील होती है, बट वही चीज़ सर्दी में आपको अच्छी भी लगेगी अगर आप ठंड में चला रहे हैं तो। वो भी है मतलब आप ट्रैफिक में अगर आप रुक रहे हैं, अगर आपकी बाइक 40-50 में चल रही है तो हवा की वजह से आपको हीटिंग इतनी फील नहीं होगी। ग्राउंड क्लियरेंस?
ग्राउंड क्लियरेंस जैसे मेरे को, मैंने काफ़ी ऑनलाइन में भी देखा था, लोग कह रहे थे कि 135 mm का शायद इसका है, पर मेरी तो अभी तक नोएडा में कहीं पे भी लगी नहीं है, दो लोग बैठे भी हों। मतलब अगर आप 20 या 15-20 की स्पीड में भी आप स्पीकर ब्रेकर से निकालेंगे तो मेरी अभी तक टच नहीं हुई है। तो सर एट दी एंड मैं ये पूछूँ कि क्या आप इस गाड़ी से सेटिस्फाइड हैं या नहीं? देखिए मैं तो इस गाड़ी से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, और पहले मेरे को थोड़ा सा वो भी था कि मतलब भारी बाइक ले रहे हैं चला पाएंगे कि नहीं, बट मैं एक रिकमेंड करूँगा कि आप, जैसे मेरी हाइट 5'4" 5'5" है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप आराम से इसको चला सकते हैं अगर आप मतलब सेफ्टी से ड्राइव करें और सब करें तो ये बहुत इन्जॉयबल बाइक है और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। तो बस इतना ही, बाकी अब आगे पता चलेगा। ठीक है ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच सर वंस अगेन चैनल पर आने के लिए। तो ये था मीटियोर का ओनरशिप रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी हम आपको आंसर कर देंगे। सो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।